नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एन के शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मेरी खेती मेरी फसल। आज 21 तारीख है, 21 नवंबर हम आए हैं अपने खेत पे। इसमें हमने ये सरसों का खेत है, ये 2 एकड़ में हमने लगाया था 52x22। मैंने पिछला वीडियो डाला था आपको, इसको हमने बोया था 27 अक्टूबर को, यानी आज 25 दिन की ये सरसों है। ये 52x22 है, पायर का 52x22। 52x22 को मैंने पहली बार लगाया है। मैंने बताया इससे पहले हमने पायनियर बोया था, लेकिन बारिश पड़ गई, उसको मर गया, हमने इसको पलट दिया और पलट के इसको हमने बोया 52x22। ये हमने 1.5 किलो 1 किलो 400 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बीज डाला था। पायनियर बोया था जब हमने DAP दिया था, इसलिए दोबारा DAP नहीं दिया। अब इसमें पानी देंगे, ये देखिए आप भरी हुई कुड़ी है। इसका प्रोडक्शन कितना होगा ये नहीं मालूम, इस बार पहली बार कर रहा हूँ मैं 52x22। इसका रिपोर्ट आपको बाद में मिलेगी, जो होगा वो दिखाया जाएगा। अब इसमें अगले हफ्ते यानी 29 तारीख को या 28 तारीख को 30-32 बार दिन हम देंगे इसमें पानी, सरसों का पहला पानी। याद रखिए, सरसों का पहला पानी ही निश्चित करता है कि आपकी पैदावार कितनी बढ़ेगी, उस पर कौन कौन सा आप खाद देते हैं। हम देंगे 1 कट्टा यानी 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया, 3 किलो WDG सल्फर, मैंने सल्फर पर वीडियो डाला था और खेतों में सल्फर दिया, इसमें भी देंगे। और पानी से पहले 25 किलो प्रति एकड़ मैं इसमें DAP भी डालूंगा। हर बार DAP 7 बोते थे, इसमें 7 नहीं बोया है। 8 अक्टूबर को जब बोया था, जब DAP दिया था, देखिए आप इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से वहाँ तक आपको दिख रहा है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सरसों के संबंधित सारी जानकारी आपको इस पर रेगुलर मिलेगी और वही मिलेगी जो खेत में हो रहा है। ये मेरा खेत है, मैं दिखा रहा हूँ। पहला पानी देंगे तो पानी का वीडियो आपको मिलेगा, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी चैनल पर। ये देख रहे हैं आप, अभी छोटे छोटे खेत हैं, शाम का समय 3 बज रहा है इस समय, इसलिए धूप है। अभी पानी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, खेत में खूब गतक है, आप देखें गीला बना हुआ है, लेकिन पानी देने से मैं कहता हूँ 30 से 35 दिन में पानी देना चाहिए, और मैं 30 से 31 दिन में पानी देता हूँ हर खेत में। वो दूर खेत मेरे छोटे भाई के हैं, ये हमारे पूरे परिवार का खेत है, ये मेरा है 2 एकड़ का जमीन। आप इसको देखिए, इसकी प्रगति हम आपको देंगे। बायर का 52x22 सरसों की अच्छी वैरायटी में से, इसे पछैती भी बो सकते हैं, 125 से 128 30 दिन में पक जाती है। 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो इसको बोना चाहिए, और देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम ये गांव की हमारी सड़क है, ये गांव है दूर पास में मेरा, ये रोड है, लिंक रोड है, एक्सप्रेस वे से पास में, यमुना एक्सप्रेस वे के पास मेरा गांव है, दूर यमुना एक्सप्रेस वे है। डिटेल आपको देंगे। फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ और अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार, मेरी खेती मेरी फसल, थैंक यू।